रूस से आए जहाज प्योर पॉइंट से खाम तेल निकालने का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि वजारत पेट्रोलियम का कहना है कि रूसी तेल के आने से आवाम को आइंदा माह रिलीफ मिलेगा और कीमतें कम होंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म बना दें, यकीन दिलाता हूं कि किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा, मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ से करूंगा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नहीं। जहांगीर तरीन की नई पार्टी के क्याम और चेयरमैन पीसीबी की तैनाती के मामले पर हुकूमती इतिहाद की अहम जमातों में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद बट ने कहा है कि साबिक हुकूमत ने नैब को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया, हमने नैब को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी कर दिया है, मुल्क में करप्शन में इजाफा हो रहा है, खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। और मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह वीडियोस लीक केस में टिकटॉकर संदर खटक को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान ने टिकटॉकर हरीम शाह वीडियोस लीक केस की समाअत की। हरीम शाह और संदर खटक अदालत के सामने पेश हुई।